तो इसलिए ऐसा। खैर, गुरप्रीत नमस्ते सभी को। आज आप लोगों के माइक म्यूट नहीं हो पाएंगे जब तक मैं नहीं उसको अलाउ करूंगा, इसलिए तैयार हो जाइए। सिर्फ 30 मिनट्स का बाकी है समय। सुमेध, गेट रेडी, ऑल सेट। हर्षित बेटा, गुड मॉर्निंग। और हम लोगों का समय शुरू, नमस्ते नमस्ते। हम लोगों का समय शुरू होता है। सारे आईआईटी वाले बेकार नहीं है यहाँ, कनिष्का, ये बात तो सही है। कनिष्का का मैसेज आया। ऑलराइट, चलेगा। सीधा प्लान से शुरुआत। 2 मिनट्स, गेट रेडी, काम शुरू। जल्दी पोजीशन लीजिए। करते रहिएगा जबरदस्त तरीके से। बैठा, 1 मिनट हो गया है, 1 मिनट और। रहिएगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। नमस्ते नमस्ते शिव, इतने दिनों बाद दर्शन। रिलैक्स हो जाइए। वेरी गुड सिमरन। अब वन हैंड क्लाइंब के लिए हम लोग रेडी हैं। आइएगा पोजीशन। समय शुरू होता है अब। वेरी गुड, पुश करते रहिए अपने लिमिट्स को। करो गुनगुन। एक मिनट हो गया है, 30 मोर सेकेंड्स। Nine, 8, 7, 6, 5, 4,
ऑपोजिट आर्म के लिए रेडी हैं। ऑल सेट गेट रेडी और समय शुरू होता है अब। रहिए वेरी गुड। गुनगुन बेटा वेरी गुड, करते रहो थोड़ा थोड़ा और। एक मिनट हो गया है, 30 more seconds। वेरी गुड बेटा। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आइए संगीता। गुड मॉर्निंग। 9 नमस्ते। 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स हो जाइए। आओ दीपिका आओ। नमस्ते, सो नाइस टू सी यू। रिवर्स प्लैंक देंगे लेकिन फोर आर्म्स पर, यानी कॉनियों पर, और मिडिल बॉडी को जितना ज्यादा हो सके ऊपर उठाने का प्रयास होगा। आ जाइए बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी, गर्दन ड्रॉप। रिलैक्स हो जाइएगा। वेल डन। अब खड़े होकर शुरुआत होगी साइड बैंड से। मनोज आओ, खड़े होकर शुरुआत करते हैं साइड बैंड से। अरे सीधे खड़े हो जाइएगा। डीप इनहेल करिए, डीप एक्सहेल। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। रहेगा ये डीप इनहेल डीप एक्सहेल। डीप इनहेल डीप एक्सहेल। Deep inhale, deep exhale, करिए पुश जबरदस्त।
से आठ बार इस तरह से हम लोग करेंगे। पुश करते रहिए बिल्कुल ऐसे ही। वेल डन, करते रहिएगा। सात से आठ बार अपनी बॉडी लाइन को फॉलो करेंगे संगीता, और दोनों आर्म्स स्ट्रेट रखिए। कीप बोथ आर्म्स स्ट्रेट, टाइट एंड स्ट्रेट। वेल डन सुमेर, करते रहो, रुको मत। ये मान के चल रहे हैं कि 6 से 7 बार हो चुका है, एक एक बार और करिएगा और फिर रुकेगा। अंकुर, कहीं ऐसा तो नहीं माइक ऑफ करके रहते हो, कहीं बीच में थोड़ी मोटी नींद भी लेते रहते हो? ऑलराइट, अब ठीक है। आजकल कैमरा बहुत ऑफ रख रहे हो अंकुर, मुझे ऐसा लग रहा है बीच में चाय पानी सब चलता रहता है। ऑलराइट, चलेगा। आइए नीचे आपका लॉक। अब हम लोग त्रियत ताड़ासन के लिए रेडी हैं। जो अभी तक किया उसका इस्तेमाल करेगा, जो पहले से करते हुए आए वो जीरो गैप रखेंगे अपने टूज और हील्स में, बाकी आपकी मर्जी। गेट रेडी, डीप इनहेल करते हुए आ, ब्रीथ आपकी रुकी हुई है, आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट है आपके, नीचे आ रहे हैं, और अब एक्सहेल करते हुए ब्रीथ आपकी नॉर्मल, आर्म्स स्ट्रेट। रिलैक्स, tightly and gradually with the straight fingers. इसी तरह से ऑपोजिट साइड भी करना होगा। अगेन लॉन्ग स्ट्रेट आर्म्स करिए, कोई भी ऐसे लूज नहीं छोड़ेगा आर्म्स को, बिल्कुल टाइट, और ऊपर भी आपकी दोनों आर्म्स आपके कानों से टाइटली टच रहनी चाहिए। करिएगा डीप इनहेल करते हुए आप, नीचे, और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स टाइटली एंड ग्रेजुअली। फॉरवर्ड बैंडिंग अब हम लोग ले रहे हैं, और जिसको भी बैक या नेक प्रॉब्लम उसे लग रहा है कि भी है, वो जो भी हमने किया है ताड़ासन वो ही करेगा। बाकी 5 मिनट अभी फॉरवर्ड बैंडिंग के नाम आइए, मिनिमम गैप से शुरुआत करिए आप, जीरो गैप। आइए राजेश, जल्दी आइए। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। करिए, पुश करिएगा, राजेश आप प्लैंक से शुरुआत करिए, प्लैंक। सामने की ओर निगाह रखते हुए प्लैंक करिएगा राजेश आप, और
कोशिश ये रहे कि सारा जो स्ट्रेच है वो आपके एब्डोमेन एरिया पे ही आए। आप धीरे धीरे गैप बढ़ाना शुरू करेंगे। तो आपके थोड़ा अंदर की ओर ये ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे गैप बढ़ाते रहिएगा। काब्स और हैमस्ट्रिंग्स मेनली फोकस। वेरी गुड। गैप धीरे धीरे बढ़ेगा, ये ध्यान रखेंगे। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। राजेश, सारा जो स्ट्रेच है वो आपके एब्डोमेन, आपकी आर्म्स, आपकी लेग्स में रहना चाहिए, ना कि बैक पे। जो लोग थोड़ा बिगनिंग में है उनके लिए तीनों स्टेप दोबारा एक बार रिपीट कर रहे हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करते रहिएगा। अगले 1 मिनट में पूरा करेंगे। कनिष्का भाईदान शिव आगे बढ़िए ऐसे ही बिल्कुल। वेरी गुड दीपिका, ब्यूटीफुल। अपने लिमिट्स को चैलेंज करते रहिए। आज तो ऐसा लग रहा है शिवा और दीपिका आपको देख के कि सुबह और शाम एक साथ हो रही है, या तो ये सवेरा या सांझ है जब दोनों पैर मिल रहे हैं। शिवा और अद्भुत दृश्य है ये। करते रहिए रुक के बाद। कनिष्का वेल डन, आगे बढ़ो बिल्कुल ऐसे ही। मेगा वेरी गुड, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, टेक इट इजी। अगले 20 सेकेंड्स में इसको पूरा करिए।
अंकुर वेल डन शिवा ब्यूटीफुल शिव ब्यूटीफुल हर्षित गुनगुन वेरी गुड सुमेर वेल डन क्या बात है मनोज बहुत ही सुंदर बहुत ही दुर्लभ ब्यूटीफुल कंप्लीट करिएगा इसके प्रति इतना मोह भी ना रखें कि बाकी के लिए समय ही ना बचे कंप्लीट करिए वेरी गुड संगीता ऑल सेट बी रिलैक्स्ड नाउ अच्छा दोनों आसपास ही हो बिल्कुल शिवा और दीपिका वेरी गुड ब्यूटीफुल ऑल सेट चलेगा अब आगे बढ़ रहे हैं और अब हम लोग पहले ट्विस्ट लेंगे सात से आठ बार आइए डीप इनहेल करिएगा और डीप एक्सहेल करते हुए करते रहिए ट्विस्ट लेते रहो ट्विस्ट आओ विकास करिए बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया करते रहिए एक से दो बार और करिए रुकिएगा और बाय बी रिलैक्स्ड नाउ मेगा वेल डन रिलैक्स रिलैक्स अब आगे अब हम लोग नमस्ते मुद्रा में यही त्रिकालासन लेंगे अभी आपने इस तरह से लिया था अब इस तरह से करिएगा जिन लोगों को शोल्डर्स की और नेक की समस्या है सर्वाइकल उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ध्यान ये रहे कि आपकी जो एल्बोज हो वो स्ट्रेट रहे और पांच एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस रहे करिए डीप इनहेल करते हुए आप दोनों पाम से एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करिए ब्रीथ आपकी उठी हुई है नीचे आए और अब एक्सहेल करते हुए Relax. Well done. Opposite side, एक बार बिल्कुल इसी तरह से कोशिश है यहां सीधी रहें और पाम से एक दूसरे से मिली और अगेंस्ट एक दूसरे के प्रेस्ड. डीप इनहेल करते हुए आप करते रहिएगा राजेश जबरदस्त तरीके से
Relax. Well done. See the head rotational movement there. Or part one, part like clock, anti-clock. Hey, the answer is here. Legs will go CD. करते रहिए, गुनगुन पैरों में गैप लो बेटा, गुनगुन पैरों में गैप, विकास कर लिया, क्या बात है विकास, वेरी गुड। वेरी गुड गुड ब्रीथ, वेल डन सिमरन, ब्यूटीफुल। पांच पांच बार करके दोनों तरफ रुक जाइएगा। राइट, डन, रिलैक्स्ड नाउ। आर्म्स रोटेशनल मूवमेंट के लिए रेडी हैं। कोशिश करिएगा छह बार तरीके से लेंगे और जबरदस्त तरीके से लीजिएगा। स्ट्रेट आर्म्स करिए, स्ट्रेट फिंगर्स, फिंगर्स में गैप रखिएगा इस तरह से, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग रेडी करिए 20 टाइम्स। Direction change. This is bar that you get up. ऑल्टरनेट आर्म ले रहे हैं वन बाय वन, करें कोशिश बिल्कुल स्ट्रेट आर्म। आम उसको सीधी रखेगा, रिलैक्स हो जाएगा 20 सेकेंड्स के लिए।
एलेक्स भेजे। कोशिश करिए, बाजू बिल्कुल सीधी टाइट, बाजू संगीता 20 टाइम्स, उसके बाद बैकवर्ड, इस भी बार रखे रुकेगा। अब हम लोग स्ट्रेट आर्म्स पैरेलल टू फ्लोर बैकवर्ड हिट करने वाले हैं और कोशिश करेगा बिल्कुल आर्म्स ऐसे ही सीधे पीछे जाएं। आइए बारह से पंद्रह बार करके एक बार रिलैक्स 30 सेकेंड्स के लिए और उसके बाद 2 मिनट के लिए वस्त्रिका शुरू। पहला 1 मिनट बॉडी 90 डिग्री बेंड, नेक्स्ट 1 मिनट स्ट्रेट बॉडी। अगले 20 सेकेंड्स के बाद रेडी लेने के लिए पोजीशन लीजिए और कुछ और आसन कर सकती हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है अभी। हाँ, आप नीचे बैठिए और अनुलोम विलोम का प्रयास करिएगा। ओके सर। ऑलराइट, करिए। चेंज करिएगा, नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, रिलैक्स बैठिए।
वेल डन। ढाई मिनट के लिए रिलैक्स कर रहे हैं, उसके बाद आगे की यात्रा बादस्तूर जारी रहेगी। जी सर, मीनवाइल अगर अनुलोम विलोम एक बार सही तरीके से बता दें। हाँ जरूर, आप करते हैं अनुलोम विलोम? मैं करता नहीं हूँ, बट थोड़ा बीपी के लिए सही रहेगा कहते हैं लोग। वो तो बीपी तो आपका वैसे ही अब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, बस भस्त्रे का अवॉइड करेगा। वैसे कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सीधे बैठिए। सीधे कल पोस्चर के बारे में तो आपको बताया ही था ना। सीधे पोस्चर का मतलब आपका चेस्ट फॉरवर्ड एंड अपवर्ड हो जाए, ऐसे या ऐसे बिल्कुल नहीं, ये पोजिशन है सीधे। अब लेफ्ट नॉस्ट्रल से डीप इनहेल करिए, लेकिन आपकी जो इनहेल की स्पीड है वो बहुत मध्यम रहनी चाहिए, ना तेज ना बहुत स्लो। लेफ्ट नॉस्ट्रल पहले यूज होगा क्योंकि राइट हैंड का इस्तेमाल हो रहा है, राइट थंब का। देन यू प्रेस और यू प्लग द लेफ्ट नॉस्ट्रल टू एग्जिट फ्रॉम द राइट वन। नाउ यू इनहेल फ्रॉम द राइट, plug the right, and now exhale, or you come back to the left nostril to complete it with exhalation. समझ में आया आपको? Got it. Okay, good. एक मिनट का समय और बाकी है, बैक बेंडिंग का आज टारगेट है। सीधे कोबरा पोज से अब शुरुआत होगी। आइए रेडी है कोबरा पोज के लिए। भुजंगासन के लिए रेडी है, पोजीशन लीजिएगा। को बैक की प्रॉब्लम है, राजेश आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जिसको बैक की प्रॉब्लम है वो पैरों में गैप रखेगा, विशेष रूप से ध्यान दें। एल्स जीरो गैप। चेस्ट लेवल पे आपके दोनों हाथ हैं, डीप इनहेल करते हुए आप धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए नीचे एक बार फिर बिल्कुल ऐसे ही 15 सेकेंड्स का बीप को होल्ड करने का टाइम पीरियड रहेगा, और जो बिगनर्स हैं वो अपनी आईज ओपन रखिएगा, चक्कर आने की पूरी पूरी संभावना है। अरे डीप इनहेल करते हुए आप धीरे धीरे एक्सहेल करते होनी चाहिए।
अब की बार आप थोड़ा सा बॉडी को हैंग कर लेंगे हवा में, पैर फ्लैट ही रहेंगे लेकिन आपकी बॉडी हवा में लिफ्ट करेगी और बॉडी हैंग हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा पहले किया है हाल ही हमने, हैंग करिए। कनिष्का समझ में आया हैंग करने का क्या मतलब है? गुड। अब हम लोग त्रियक भुजंगासन लेंगे जो कि बीत रुकी रहनी चाहिए और ऐसा दो बार लेना है। टारगेट 15 सेकंड्स तकरीबन का ही होगा। शू के 5 सेकंड्स बॉडी को स्ट्रेट रखेगा और बाद में दोनों तरफ नेक टर्न कर ऑपोजिट लैग को आप देखेंगे। आइए सिर्फ अपर बॉडी ट्विस्ट होनी चाहिए। डी इनहेल करते हुए आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यू आर सिंपली ट्विस्टिंग योर अपर बॉडी ओनली, वेस्टलाइन से नीचे नीचे बॉडी बिल्कुल स्टेशनरी कोशिश करेगा रखने की। एक बार फिर इसी को रिपीट कर रहे हैं ध्यान से और पूर्ण रूप से इसका आनंद लीजिए। आइएगा चाइल्ड पोस्चर में आ रहे हैं, जीरो गैप देंगे नीज में, बेशक आपको नीज में प्रॉब्लम ना हो। जिनको बैक या नेक की प्रॉब्लम नहीं है वो अपने फोरहेड को अपने नी से लगाने की कोशिश करेंगे पीछे हाथों का लॉक लगाकर। बेशक आपको बैक या नेक की प्रॉब्लम नहीं हो, तो कोशिश करेगा बहुत बढ़िया गुप्ता जी, ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहे। बैक धीरे धीरे रेडी हो रही है आगे बढ़ने के लिए। अब हम लोग सीधे सर्पासन ले रहे हैं, इसके बाद आइए
और आज का जो टारगेट रहेगा सर्वासन के लिए वो ये कि आपके हाथ आगे ही रहेंगे, पीछे नहीं जाएंगे, और फिर बाद में आप हाथों का इस्तेमाल कर अपने कर्व को बढ़ाएंगे, लेकिन आपका नेवल, आपका बैली बटन वो जमीन से हमेशा टच रहे, ये एंश्योर करेगा। आइए ब्रीथ नॉर्मल करिए, टोज और हील्स मिला के रखिए बिल्कुल सभी, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर बैक और नेक पेन, ये पोजीशन लीजिए। और अब हाथों की सपोर्ट है सिर्फ, लेकिन बैली बटन जमीन से टच रहे, फिर प्लीज बी कर्व। बहुत ही दुर्लभ ये सर्वासन है, आपकी लेटरल बैक मसल्स पे डायरेक्ट इसका इफेक्ट होना चाहिए। दो बार करेंगे सेम टाइप, बिल्कुल रिपीट करिए करिए गुरप्रीत सिमरन, एक बार और करके दिखाइएगा बिल्कुल ऐसे ही। बैक पेन में बहुत लाभदायक है, हाथों का सिर्फ सपोर्ट है, हाथों का इस्तेमाल बॉडी को लिफ्ट करने के लिए नहीं होगा, हाथों का इस्तेमाल बॉडी को कर्व देने के लिए होगा। पैर जमीन पर रखो, कनिष्का पैर जमीन पर, वेरी गुड संगीता, बहुत बहुत बढ़िया। ऑलराइट, दो बार करने के बाद रिलैक्स, और अब आएगा मजा, रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। और अब कोशिश रहेगी, अभी उठो मत सुमेध, अभी यात्रा यहां पे पूर्ण नहीं हुई है, अब यात्रा में आप पद्मासन में एक बार कोबरा पोज लेने का प्रयास कर रहे हैं बहुत ही आनंद के साथ। आइए, जिनको नी में प्रॉब्लम है या पद्मासन नहीं लगा पा रहा है तो वो क्रॉस लेग पोजीशन में लेगा, और अगर क्रॉस लेग पोजीशन में भी दिक्कत है तो फिलहाल अवॉइड करेगा। आइए, ये वाली पोजीशन होगी, पहले सबसे पहला जो टारगेट होगा वो आपका ये होगा, जैसे आप कैट पोज करते हैं तो ये, और धीरे धीरे अपना चेस्ट, पहले अपनी चिन फिर चेस्ट, पहले सही आराम लीजिए, उसके बाद पूरा जमीन पे आ जाइए। और अब बहुत ही आरामदायक और बहुत ही दुर्लभ है, ब्रीथ नॉर्मल, रिलैक्स हो जाइए इसके बाद। हम लोग चाइल्ड पोस्चर लेंगे, अब
मैक्सिमम गैप होता है, आगे मिनिमम गैप, जीरो गैप पीछे, आगे मैक्सिमम गैप। नीज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेशक, ये ध्यान रखिएगा तभी लेके इसको। चेस्ट और चेन बहुत ही आरामदायक, एक से डेढ़ मिनट इस तरह से रहिएगा। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। विकास कर लिया, थोड़ा थोड़ा करते रहना, वेरी गुड। Well done, सुमेध, आज तो हार्ड स्टॉप नहीं लेना, इशारों से बता दो। वेरी गुड, ब्यूटिफुल, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अब आगे की यात्रा सीधे आसनों से आगे बढ़ेंगे, और पहला ही जो आसन होगा वो होगा कैमल पोस्चर, यानी पोस्चर आसन। आइए करते हैं उसको अपने हिसाब से, आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। शोल्डर्स के बराबर आपके पैरों में गैप होगा आगे और पीछे, और डीप इनहेल करते हुए ब्रीथ नॉर्मल हो जाएगी, गर्दन ड्रॉप करेंगे और बॉडी इस तरह से पीछे गिरेगी, उसको आगे की ओर पुश करेंगे, ये गर्दन ड्रॉप। करो जबरदस्त तरीके से, करते रहो उपमा, वेरी गुड सुमेर, बहुत बहुत बढ़िया। बॉडी को आगे की ओर पुश करिए, वेल डन। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही करते रहिए, दो बार ऐसा करेंगे, उसके बाद फिर अब इसमें इंटेंसिटी को बढ़ाना होगा। पहले दो बार ऐसा कर लीजिए आराम आराम से, ऑलराइट, बहुत बढ़िया। आइए अब आगे की यात्रा करते हैं।
इसके बाद जो पहला टारगेट होगा जो आपने भी किया उसी में आपके हाथ अब जमीन पर आएंगे। अभी आपने ये किया है और जमीन पे हाथ आने का मतलब ये नहीं है, ध्यान से देखेंगे साइड पोर्शन में कि आप पीछे की ओर चले गए हैं। अभी आपने ये किया, अब ये, और इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी ऐसे जाए, इसका मतलब ये कि बॉडी ऐसे रहे। प्रयास करिए ऐसा नीज में प्रेशर आए किसी को ध्यान रखिए, और इसके लिए नीज के नीचे कुशन लेके रखें। अगर आपको लगता है कि कुछ प्रेशर टाइप आ रहा है नीज पे तो जस्ट यूज द कुशन। संगीता वेल डन, वेरी गुड दीपिका। शिवा बॉडी आगे पुश करो, आगे आगे एब्डोमेन की ओर बॉडी पुश करिए, पीछे मत गिराइए। बहुत बहुत बढ़िया, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहिए। राजेश ट्राई नहीं करेंगे? ठीक है, आप कैमरा एंगल ना ठीक नहीं रखते हो राजेश। आई एम नॉट एबल टू सी यू प्रॉपरली एवर, द लाइट इज नॉट गुड बिकॉज द लाइट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। द लाइट हैज टू बी ऑन योर फेस नॉट ऑन योर बैक, और सेकेंडली द कैमरा एंगल इज ऑलवेज एलिवेटेड। फिलहाल तो काम चला लेंगे, बाद में नहीं चल पाएगा। बहुत सुंदर कनिष्का, समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आराम से करते रहिए एक एक बार इस पोस्चर को, उसके बाद आगे की यात्रा निरंतर चलती रहेगी इसी तरह से। अब क्रॉस लेने का प्रयास करेंगे आप सभी, और पहले हम जो क्रॉस लेंगे, निशांत कोबरा पोज करना, कोबरा पोज प्लैंक के बाद पहले हम टोज पे करेंगे। तो प्रयास ये रहेगा क्रॉस में, अब जीरो गैप हो जाएगा पीछे की ओर, बट बी ऑन योर टोज लाइक दिस, ये, और आपकी कोशिश ये रहेगी। पहले जो इसमें कंफर्टेबल होते हैं वो ये कर देंगे। पहले टोस पे एक बार क्रॉस लेने का, टोस पे लो, टोस पे लो शिवा, हाँ, सो दैट यू हैव अ बैलेंस। यस सुमेर सर, कुशन क्यों लगाया बीच में? कुशन बीच में नहीं, नीज पे लगाया, नीज पे। अच्छा, नीज पे उसके नीचे है ना, बीच की कोई जरूरत नहीं है। नीज यानी यू हैव टू सपोर्ट योर नीज, घुटनों पे प्रेशर ज्यादा आने लगता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रॉपर कुशन का इस्तेमाल हो जाए। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड अनीता मैम, मनोज बहुत बढ़िया, मनोज बहुत सुंदर प्रयास, वेरी गुड संगीता, संगीता वेरी डन, वेरी गुड, इट्स ब्यूटीफुल। कोशिश करिएगा ऐसा हम दो बार करेंगे, एक बार फिर देखेंगे अगर कहीं पे डाउट होगा तो। वेल डन, सभी करते रहिएगा। निरुपा हो पा रहा है क्या? चलिए करिए, जरा करिए करिए।
वेरी गुड, ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेरी गुड कनिष्का, बहुत बढ़िया। गर्दन ड्रॉप रखो निशांत, लूज रखो गर्दन, हमेशा नीचे की ओर, लूज। ऑलराइट, रिलैक्स रहिएगा, थोड़ा बैक को रिलैक्स कर रहे हैं इसके माध्यम से पहले, और फिर एक बार अंतिम लेंगे इसी में। आइए पहले थोड़ा बैक रिलैक्स करते हैं। बैक रिलैक्स करने के लिए दो तरीके रखेंगे। जिसको बैक या नेक की प्रॉब्लम नहीं है, वो मलासन का, मलासन जो होता है उसका आपको मालूम है इस तरह से लेगा, पहले एक बार देख लेते हैं। जिसको बैक या नेक प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, तो वो ये ले रहा है, पीछे हाथों का लॉक लगेगा या ऐसे पकड़ने जैसे भी सपोर्ट दे दें, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आपके टो से आपका फोरहेड लग जाए। करिए कोशिश, बहुत ही मजेदार है। और जिसको बैक या नेक की समस्या है, वो आराम से ऐसे लेटेगा और फिर ये पवन का सर, फिर देखेगा जो हमने इससे पहले किया, गार्लैंड पोस्चर, यू ट्राई टू टच योर फोरहेड फर्स्ट विद द फ्लोर एंड वंस यू आर एबल टू डू इट यू टच इट विद योर टोस। उसमें बैलेंस भी बनाना पड़ेगा, गैप भी आपके नीज में बढ़ेगा, मल्टी डिमेंशनल इसका इफेक्ट है। ये देखिएगा, ये सपोर्ट दिया आपने हाथों का, पलट मत जाइएगा ध्यान से। शिवा समझ में आ रहा है वैसे हमने करा क्या? गुड, वो धीरे धीरे हम करेंगे, होने लगेगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कनिष्का वेलडन, पलटना नहीं है, वेरी गुड। अब लास्ट उष्ट्रासन में भी बाकी है, जिसमें कि आप कर लेंगे अपने हाथों का लूप लगाकर, आइए उसका आनंद लेते हैं। पूरा आनंद लीजिएगा इसका। उस नी के नीचे कोई कुशन जरूर हो, जिस नी के बाजू को, सॉरी जिस नी को लेग वॉक बैंड करना है, ये तो ये पोजीशन रहेगी। पैरों में गैप रखेगा पहले की तरह, इसको लूप में लेंगे, एक बार फ्रंट से देख रहे हैं उसी को, ताकि क्लैरिटी रहे, बॉडी से झुकनी नहीं चाहिए। ये लिया, उसको लूप में लिया, लॉग लगाया, एक बार फिर ऑपोजिट साइड से देखेंगे उसी को, ताकि बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए। ये पोजीशन थी, ये लॉक लगाया,
ट्राई नहीं करोगे? थोड़ा थोड़ा किया करो बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, कर दो बैक में, कर बैक में कर दो बच्चों, आगे की ओर पुश करो, और राइट करिश्का बताए नमस्ते। बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रयास सभी, ब्यूटीफुल, वेरी गुड दीपिका, बॉडी को कर्व देके रखिएगा आगे की ओर, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहिए। अभी जो बहुत शुरुआती दौर में है वो बेशक रिलैक्स करें, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, थोड़ा सा एक आगे स्टेप है ये, करते रहिए। यू गिव योरसेल्फ योर बेस्ट शॉट, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, इफ इट इज नॉट बीइंग पॉसिबल दैट इन दैट वे, जस्ट गिव लाइक दिस, हाउ शी इज गिविंग हर बेस्ट एफर्ट, दिस इज द बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सुमेध हुआ क्या? प्रयासरत रहो। देखो अनिता मैम को कितना जबरदस्त प्रयास दिया, पहले उन्होंने दुपट्टे का इस्तेमाल किया जस्ट टू टेक द टोज इन द लूप एंड देन शी रिलीज्ड दैट। वेल डन, दोनों तरफ से दो दो बार कर लेंगे और उसके बाद रुकेंगे। हर्षित देखो कर दो बेटा बॉडी को इस तरह से, बॉडी को इस तरह से कर दीजिए। वेल डन, ब्यूटिफुल, ऑलराइट, रिलैक्स हो जाइए, बहुत बेहतरीन तरीके से किया आप लोगों ने, बी रिलैक्स। ऑल सेट, ब्यूटिफुल। आइए थोड़ा बैक को रिलैक्स करते हैं अब इसके बाद, और फिर आगे बढ़ेंगे, और उसके लिए हम लोग लेग स्ट्रेचिंग का भी इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपको लेकर जाएंगे सीधे किंग पिजन पॉस्चर्स के लिए। आइए, और वो चार से पांच तरीके से किया जाएगा, उसका आनंद लेंगे साथ में। आइए पहले लेग को, बैक को रिलैक्स लेग के माध्यम से। आइए राजेश, धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए पुश करिए, ये आपकी ना केवल लेग को स्ट्रेच दे रहा है बल्कि बैक को भी साइमल्टेनियसली रिलैक्स कर रहा है। अच्छी तरह से पुश लीजिएगा, ग्रोइन एरिया में आपकी हील जाएगी, लेग बिल्कुल स्ट्रेट होगी, और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए आप अपने को बार बार पुश करेंगे। बहुत ही मजेदार, इसका आनंद लेते रहिएगा। अगले पांच से सात मिनट इसको दे दें। वेरी गुड निशांत, वेल डन, पुश करते रहिए, अपने एफर्ट को बढ़ाते रहिएगा। Good, very good. Back बिल्कुल relax हो जानी चाहिए तभी आगे बढ़ पाएंगे, वरना दर्द होगा।
करिए प्रभा, इसके बाद थाई के ऊपर लेकर फुट को करो करो करो, वेरी गुड। सुमित बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पुश करते रहिएगा बिल्कुल ऐसे ही। अपनी लिमिट्स को आप चैलेंज करते रहेंगे। गुनगुन वेरी गुड बेटा, वेल डन। पकड़ लो अपने पैर को, पैर पकड़ने की कोशिश करो आगे वाले को। हर्षित आगे वाले पैर को पकड़ गए। हाँ करते रहिएगा। इसके बाद साइड ट्विस्ट में आ जाएंगे इसको कंप्लीट करने के बाद। आइए, उसका आनंद कुछ और ही है। बार बार एक्सेल करते हुए पुश। बहुत ही मजेदार है, बैक के लिए इसका पूरा पूरा आनंद लेंगे। ये 90 डिग्री है, देखने में ज्यादा लग रहा है एंगल कैमरा होने की वजह से, बट दिस इज द 90 डिग्री एंगल बिटवीन द लेग्स। बैक स्ट्रेट करिए, डीप इनहेल करते हुए ट्विस्ट और एक्सहेल करते हुए बैक। कंप्लीट करेगा उसे दोनों तरफ करके। करते रहो, वेरी गुड सिमरन। पुश करिए, पुश, ट्विस्ट दीजिए बॉडी को। गर्दन निकालिए दोनों हाथों के बीच में से। वेल डन, बाहर से बाहर से। गुरप्रीत की तरह कोशिश करिए, पहले सुमन थोड़ा
बॉडी में हमें ट्विस्ट चाहिए, ट्विस्ट। करो करो संगीता, बिल्कुल सही कर रहे हो आप, ऐसे ही करिए। वी नीड ट्विस्ट इन दी बॉडी। कंप्लीट करेंगे अगले 1.5 से 2 मिनट के अंदर इसको। बहुत बढ़िया राजेश, वेल डन। मैंने पहली बार देखा आपको करते हुए आज। वेरी गुड राजेश, बहुत बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। इसके बाद हम लोग पश्चिमोत्थान आसन लेंगे, लेकिन बेशर्ते आपके बैक में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, यानी जीरो गैप आपके लेग्स में होगा और आप अपने को काउंटर बैक पॉस्चर दे रहे हैं, यानी फॉरवर्ड बैंड है, एक्सट्रीम फॉरवर्ड बैंड, बट यू शुड नॉट बी हैविंग एनी बैक प्रॉब्लम एट ऑल, अदरवाइज ये बहुत डैमेजिंग है बैक के लिए, अगर प्रॉब्लम है तो। करिए, दिस इज द लास्ट पॉस्चर, और जिनको बैक की प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम गैप ले लेंगे लेग्स में इसको करने के लिए। जीरो गैप लीजिएगा बिल्कुल लेग्स में, बैक स्ट्रेट करिएगा, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हुए अब हम लोग आगे की यात्रा के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और अब जो टारगेट होगा वो होगा चक्रासन पहला, जिसमें पूर्ण रूप से आप अपना सर्वस्व डाल देंगे। बहुत दिनों से चक्रासन के साथ बेईमानी की जा रही है, आज उसके साथ पूरा ईमानदारी के साथ कार्य किया जाएगा। सभी अपने लिमिट्स को चैलेंज करिएगा चक्रासन में, हर लेवल पे। आइए उसको शुरुआत करते हैं। तो पहले कौन करके दिखाएगा हमें चक्रासन? शिवा करो, आओ चक्रासन करते हैं, करिए। जानते हो चक्रासन क्या होता है? शिवा जानते हो ना चक्रासन? करो, हाँ करिए करिए। देखिएगा पहले चक्रासन से शुरुआत कर रहे हैं आप लोग। करो, हाँ ये ये ये, अरे नीचे लेट के भूल गए हो। वो चाइनीज चक्रासन है जो आप कर रहे हो। करिए, एवरीबॉडी इज गोइंग टू गिव इट अ ट्राई। करिए अनुपमा मैडम, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल, कर दो कर दो कर दो, क्या बात है सिमरन। गर्दन लूज छोड़ दो सिमरन, गर्दन ड्रॉप करो, गर्दन लूज, गर्दन लूज, बिल्कुल, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ऑसम। अंकुर करते रहो विकास, वेल डन। संगीता उठा दो बॉडी, गर्दन लूज छोड़िए संगीता, संगीता वेल डन, गर्दन ड्रॉप करिए, ड्रॉप, गर्दन ड्रॉप, लूज, एब्सोल्युटली गुड। जब नीचे आएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट यानी ऊपर की ओर सीलिंग की ओर देखिएगा तो नीचे आइएगा, सीलिंग की ओर देखते हुए नीचे आइए और शोल्डर्स पहले जमीन पर रखिए। फर्स्ट यू विल पुट योर शोल्डर्स ऑन द फ्लोर, बहुत बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, वेल डन। सुपर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी, वेल डन।
अपनी तरफ से एक जबरदस्त प्रयास दीजिएगा। और प्रयास देके आप हकदार बनेंगे इस आराम के। बहुत सुंदर, ब्यूटिफुल। रूपा इस तरह से लेग्स स्ट्रेट करने की कोशिश। अपने लेवल को बढ़ाते रहिए। इफ यू आर कंफर्टेबल इन द चक्रासन नाउ देन यू हैव टू स्ट्रेटन योर लेग्स। करते रहिए इस तरह से। जीरो गैप रखते हुए अच्छा गुड प्रयास, गुड गुड एफर्ट। दीपिका लेग्स और सीधी करो अभी। हाँ बिल्कुल स्ट्रेट घुटने करने की कोशिश। वेल डन, ब्यूटिफुल। वेरी गुड। बहुत सुंदर। एक एक आर्म और एक एक लेग उठाने का प्रयास किया जाएगा। उस पर विशेष ध्यान देंगे अब, ताकि आपके आर्म्स और लेग्स में और स्ट्रेंथ आए और बैलेंस मिले बॉडी को। कोई भी खड़े होकर प्रयास नहीं करेगा विदाउट असिस्टेंस। पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपकी लेग का। आराम से लेग पोजीशन यहां पे रखिए शुरुआत में अगर दिक्कत होती है तो, और फिर उसको सीधा करिए। उसके बाद कोशिश करेगा अपनी एक आर्म का इस्तेमाल करने की। और अब जो जो इसमें कंफर्टेबल होता जा रहा है वो अपने हाथ पैरों के गैप को कम करता जाएगा। निरूपा शुरुआत से ही लेग्स में गैप कम, जीरो, उसके बाद स्ट्रेट। दीपिका उसके बाद एक पैर, चलो पहले ऐसे ले लो और उसके बाद ध्यान से देखो। थोड़ी थोड़ी अपने हिसाब से कोशिश होती रहेगी। तो टारगेट, हाँ बोलो निरुपा। हम जीरो गैप के साथ कैसे रेज करेंगे लेग्स में, जीरो गैप के साथ कैसे रेज करेंगे बॉडी को? मैंने जीरो गैप के साथ रेज करने के लिए नहीं बोला, मैंने जीरो गैप के साथ लेग्स को स्ट्रेट करने के लिए बोला। तो गैप से जीरो गैप पे कैसे लाएंगे?
धीरे धीरे गैप कम करते जाइए, जैसे जैसे लेग्स स्ट्रेट हो रही है कोशिश करिए। वेरी गुड शिवा, सुमेध बहुत बढ़िया कर रहे हो, देखिए जैसे शिवा कर रहे हैं धीरे धीरे। बहुत बहुत ब्यूटीफुल शिवा, सुमेध वेल डन। सर मैं जब भी करता हूँ ना चक्रासन, मेरे लेफ्ट के लेफ्ट मतलब बैक में इस तरफ मेरे को बहुत ज्यादा वो स्ट्रेन आता है, मुझे लगता है कि टूटना जाए। अच्छा चक्रासन करने के दौरान ऐसा होता है? हाँ सर, वो मतलब स्ट्रेन होता है जैसे मसल में कुछ पुल आ रहा हो, बोन में नहीं लगता पर मसल में लगता है। अभी भी वो फील हो रहा है क्या? हाँ सर, अभी जो बैठे हैं अभी भी फील हो रहा है? नहीं अभी नहीं हो रहा सर, वो समय होता है। जी सर, सिर्फ करने में होता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा एक दूसरी तरफ बॉडी वेट थोड़ा शिफ्ट करें तो भी होता है? सर बॉडी ऊपर ही चली जाती है, वही बहुत है, शिफ्ट तो कुछ नहीं होता मुझसे। आपकी तरफ से इसका मतलब ये हो रहा है कि एक तरफ बॉडी वेट थोड़ा सा टिल्ट है? हाँ सर, ठीक है। तो कोशिश ये करिए जब आप चक्रासन में आ जाएं और वहां पे प्रेशर आ रहा हो तो वहां से प्रेशर रिलीज करने के लिए दूसरी तरफ थोड़ा सा शिफ्टिंग करने की कोशिश करिए। आप कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है, जस्ट ठीक है। लेट मी ट्राई। ठीक है जी, निशान गर्दन ब्यूटीफुल, वेल डन अनीता मैम, ब्यूटीफुल। विकास वेला, ऑलराइट वेरी गुड दीपिका। नेक पे प्रेशर ना आए ध्यान रखिएगा। All right. Very good. अब हम लोग किंग पिजन पोस्चर के लिए बिल्कुल रेडी हैं। उससे पहले रोलिंग करके बस बैक को रिलैक्स करेंगे एक बार रोलिंग लेकर, ताकि किंग पिजन पोस्चर के लिए आगे बढ़ जाएं। आइए, और रोलिंग लेने में ध्यान रखेंगे जिसको बैक या नेक प्रॉब्लम है उसको क्या ध्यान देना है और जिसको नहीं है उसको क्या करना है। आइए पहले सभी ले रहे हैं इसको इस तरह से आराम से पवन मुक्त आसन में करिए। सुमेध टेंशन लेने की बात नहीं, बिंदास ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, अपनी बॉडी के प्रति कॉन्शियस होते हुए पुश करते रहिएगा पहले ये, और उसके बाद अगर बैक और नेक प्रॉब्लम नहीं है तो जबरदस्त पुश, प्रेशर बैक और नेक प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद साइड रोल लेके करते रहेगा साइड रोल, एवरीबॉडी कैन टेक दिस साइड रोल। बिल्कुल रिलैक्स कर डालिए बैक को। जबरदस्त तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे, करते रहिए। वेरी गुड संगीता, वेल डन। नमस्ते सर। नमस्ते,
थैंक यू सर. नमस्ते सिमरन. नमस्ते सिमरन को भी नमस्ते बोलिए. नमस्ते. थैंक यू सर. ओके सी यू. बाय बाय. चलिएगा अब आप रेडी हैं किंग पिजन पॉस्चर के लिए. बस मनोज बस क्या जान लोगे बच्चे की. बहुत सुंदर. आइए किंग पिजन पॉस्चर का आनंद देंगे. अब बहुत मजा आएगा. लीजिएगा ये वाला पोस्चर. पहला जो टारगेट रहेगा वो आपको बॉडी को बैकवर्ड पुश करने का रहेगा. इस अवस्था में डीप इनहेल करते हुए नॉर्मल कर दीजिएगा. बेशक जबरदस्त खुश रखिएगा. सर नमस्ते. सर नमस्ते. नमस्ते राजेश. ठीक है सर. All right, see you. अब ये करने के बाद लूप राइट फिर से देख रहे हैं इसको ताकि बिल्कुल बॉडी का आपको आइडिया रहे. अक्सर हम लोग बॉडी को टिल्ट करते हैं इसमें उसका आपको आइडिया रहना चाहिए. पहला जब आपने स्ट्रेट बैकवर्ड आर्च दिया था तो बॉडी आपकी सीधी इस तरह से थी. उसके बाद आपने लेग को बैंड लिया और उसको लूप में लिया बिल्कुल ऐसे सीधे. ये संगीता वेल्डन. सुमित ट्राई करो. क्या बात है ये मनमोहक स्माइल. सर आप जो किंगफिशर करा के पीछे से करा रहे हैं ना तो या तो किंगफिशर होगा या ये वाला होगा. आप डिसाइड कर लो करना क्या है. अच्छा पहले किंग फिशर करके दिखा दो. चलो ठीक चलेगा. करिए आप दोनों तरफ से एक बार जरूर कर लेंगे.
पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें धीरे धीरे। सर ये इसको किंग पिजन बोलते हैं या किंग फिशर बोलते हैं? किंग पिजन बोलते हैं। ओके ठीक है। राज कपोत आसन, किंग पिजन है। अच्छा किंग फिशर मुझे लगा, अच्छा मुझे लगा वो ऐसे ही मजाक में बोल रहे हैं। वेरी गुड, क्या बात है निशांत, कमाल है। हालांकि बैठते तो बहुत दूर हो लेकिन कान लगा के रखते हो हमारे साथ। वेरी गुड, असली आनंद तो निशांत ले रहे हैं हमारे वसुंधरा का। बहुत बहुत बढ़िया अनुभव है मैडम, गर्दन सीधी करिए जरा एक बार ध्यान से देखिए। हाँ ये बहुत बढ़िया, वेल डन। इसके बाद अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं आप संगीता, बिल्कुल ऐसे ही करिए। ब्यूटीफुल, आइए अब इसका आनंद लेंगे और ज्यादा। और अब इसी के आनंद में इसका इस्तेमाल होगा विशेष रूप से, क्योंकि नी में बड़ा जबरदस्त प्रेशर आएगा पीछे वाले नी में। तो ये प्रयास रहना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत पोस्चर है, मुझे लगता है देखने में सबसे ब्यूटीफुल पोस्चर्स में से एक पोस्चर है। ये आपकी पोजीशन है जो आपने लूप लिया है, अब आप खड़े होकर ले रहे हैं, यानी इस वाली पोजीशन में इस शिन को परपेंडिकुलर करने की कोशिश करिएगा। ये पोजीशन, बहुत ही खूबसूरत है पोस्चर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोस्चर्स इन टर्म्स ऑफ लुक्स। ऑब्जेक्ट साइड भी देखेंगे इसको, और बढ़िया निशान। बड़े आराम से करिएगा, शुरुआत में बैलेंस में दिक्कत आएगी तो आप दीवार के साथ टच हो जाइएगा, तो ये बैलेंसिंग जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। नी के नीचे विशेष रूप से कुशन रखेगा क्योंकि आपके पीछे वाली नी में बहुत प्रेशर आएगा, क्योंकि बॉडी वेट जाएगा उस पे पीछे। बहुत बढ़िया मनोज, गर्दन सीधी, गर्दन सीधी रखने का प्रयास। प्रयास रख रहिए, बहुत मजा आ रहा है, इसी फ्लो को बना के रखिए। अंकुर वेल डन, बहुत बढ़िया मनोज अंकुर, बहुत ही अच्छा प्रयास है आप दोनों का, इट्स अ ब्यूटीफुल एफर्ट, ब्यूटीफुल। शिवा करते रहिए, सुमेर दीवार के साथ टच कर दो अपने आप को एक जगह, शेव करिए, बच्चों करते रहो। सर जी, द प्रेशर हैज टू बी ऑन द फ्रंट लेग और ऑन द नी, ऑन द हाइंड नी,
on the knee, knee which is on the floor. Okay, okay. The entire body weight has to be shifted on the hind leg on that that particular knee which is on the floor. That's why we have put the cushion. Okay, okay. All right. Again, our body weight, if you put the body weight in the front leg, you won't be able to maintain the balance. Shiva, ये जो आपने किया है ना इसको opposite direction से करो, left leg से करो यही जो भी आपने किया, यानी left knee आप दीवार के साथ टच नहीं हो पाए प्रॉपर, उसका कारण ये था कि आपने गलत लेग चूज कर ली थी, उसी पोजीशन में लेग बदल दो, समझ गया मेरी बात? हाँ करिए, अब दिक्कत नहीं आएगी, दीवार से टच कर दो अपने आप को बिल्कुल, हाँ बिंदास, अब करिए और आगे थोड़ा गैप बढ़ा लीजिए, गुड। तो अब आपकी जो बैलेंसिंग समस्या है वो खत्म हो गई है, बहुत बढ़िया नहीं था मैम, बहुत बढ़िया शिवा, वेरी गुड ट्राई, इसी में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, वेरी गुड शिव, सुमित वेरी गुड, कीप ट्राइंग, ट्राई देते रहिए, रुकिए मत, गिव योर बेस्ट शॉट, संगीता समझ में आ रहा है ना, संगीता आर यू गेटिंग इट व्हाट वी आर डूइंग? सर आई डिडंट हियर यू। ऑलराइट, अभी यात्रा रुकी नहीं है, यात्रा निरंतर जारी है, अब और आनंद आने वाला है। अभी ये जो आपने किया, ये भी आपने अक्सर देखा होगा पोस्टर्स में, बड़ा मजेदार पोस्टर रहता है, इसकी लुक बड़ी जबरदस्त आती है। ध्यान से बिल्कुल ऐसे ही लेंगे आप, ईशा रेणी को ही रखेगा क्वेश्चन पे, उसी पे प्रेशर रहेगा आपके, आगे ये आपका पैर रहेगा ये, और आप सो इसको साइडवेज दिखाइए। देखिए बिल्कुल साइड से जो भी किया उसी में परिवर्तन है, जो भी पहले किया था, पहले आपने ये इस तरह से किया था, लूप में लिया था, और अब लूप में ना लेकर कोशिश करेगा, नी को पीछे वाले को सेफ रखेगा,
नमस्ते सुमेर सर, आपका जाने का समय कब आएगा सर? अभी बस 5-10 मिनट और, क्योंकि ये खिलौना रोक नहीं सकते हैं, अब इसको आगे फिर कर ही नहीं पाएंगे कभी भी। आगे बढ़ते जाओ। करो सुमेर, करो प्रयास, मत रही ऐसे। दीपिका मैदान कुछ कुछ कर दे रही है, रुके मत। विकास अभी आप चाहो तो जा सकते हो, क्योंकि अभी आप बहुत दिनों के बाद आए, तो भी ये सब ट्राई ना करें तो बेहतर है, ठीक है? यू टेक इट इजी, चाहो तो देखो। वेरी गुड, करते रहना, बिल्कुल रुकना मत। बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है। शिवा लेग चेंज करके आगे बढ़ते रहो। Well done. चलेगा चलेगा चलेगा, बहुत बहुत सुंदर। जब इतना कुछ कर ही लिया ना, तो एक अंतिम और कर डालो, वरना फिर वो मौका नहीं मिलता। वेरी गुड शिव, वेरी गुड। देखो शिव ने क्या आतंक मचाया हुआ है। शिव बहुत दिनों बाद आए हो, ब्यूटीफुल। अंतिम कर डालिए, पोस्टर पॉस्चर आजकल बहुत नजर आ रहा है। जो आपने पहले किया था उसी में ऑब्जेक्ट आर्म को देंगे।
वेरी गुड। वेरी गुड, चलिए बहुत बहुत बढ़िया, वेल डन, वेरी गुड। सुमेर पकड़ लो, बस पकड़ लो, चाहे कुछ भी हो जाए, हालत खराब कर दो इसकी। पकड़ लिया, पकड़ लिया, आज तो आ ही गया, आज तो आ ही गया पकड़ में सुमेर, वेल डन, ब्यूटिफुल। धीरे धीरे जीत जाएंगे हम, ये कंफर्म है। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। आइए बैक को रिलैक्स करेंगे, इसके बाद कंप्लीट कर लीजिए एक बार उसको अपने हिसाब से। बहुत अच्छा प्रयास किया है आप लोगों ने, वेरी गुड दीपिका, वेल डन। रिलैक्स हो जाइएगा, बैक को रिलैक्स करेंगे अल्टीमेटली। आइए बी रिलैक्स्ड, ये पोजीशन रहेगी, सीधा अर्ध मत्स्येंद्र आसन ले रहे हैं, पीछे से बॉडी को उठाइएगा, पहले ये आर्म इधर, उसके बाद बॉडी डाउन, बहुत दुर्लभ है इसका फायदा भाई। शिवा हुआ क्या? गुड सुमेर, बैठा, ब्यूटीफुल। अच्छी तरह ग्रिप ले लो उल्टे अपने लेफ्ट हैंड से, हाँ, ताकि ट्विस्ट मिले बॉडी को। हर्षित लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करो बेटा, लेफ्ट ऊपर से लेफ्ट हैंड लेके आओ, पीछे से आगे, पीछे से आगे लेफ्ट हैंड लेके आइए। वेरी गुड, करिए 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 करिए, इसको कंप्लीट करिएगा। मनोज कर लिया, मनोज बोल नहीं रहे हो और कुछ शांत भी नजर आ रहे हो मुझे बहुत ज्यादा। मनोज इतने शांत रहने का क्या कारण है? ऑलराइट, ओम शांति शांति शांति। ऑल सेट, वी आर डन फॉर ओम के उच्चारण के लिए, अब हम लोग रेडी हैं। आइए
ये कहा जाता है, ये डायलॉग होता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड जितनी फ्लेक्सिबल है उतने ही ज्यादा आप यंग है. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर बेसिकली द यूथ, द यूथफुलनेस इन यू. आइए, ज्ञान मुद्रा, इंडेक्स फिंगर अलोंग विद थंब, टिप टू टिप प्रेस, बाकी फिंगर्स स्ट्रेट. डीप इनहेल करिए, अच्छी तरह रब. चेहरे की मसाज, गर्दन, नमस्ते. थैंक यू सर. ऑलराइट, सी यू, बाय बाय. बाय. थैंक यू सर. नमस्ते सर. बाय सर. नमस्ते. थैंक यू सर. नमस्ते सर. सभी को नमस्ते. नमस्ते सर. नमस्ते. नमस्ते. नमस्ते.